मैंने तो उनका नाम लेने वालों को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटवाया था, उनको इस्तीफा दिलवाया था। मुझे तो नाम ले रही है, राजनीति की समझ ही नहीं पड़ती है ना, वरना मैं प्रधानमंत्री बन गया होता ना, तो राजनीति की समझ मुझे होती तो मैं जरूर कहूंगा कि चुनाव में रोजगार, महंगाई, सुरक्षा और किसानों के फसल के दाम, उनकी चर्चा होनी चाहिए, उन पर लोगों को मन बनाना चाहिए। भारत के राजनीति का बहुत तेजी से हिंदूकरण हो रहा है। उदाहरण के नाते ममता बनर्जी कभी एंटी हिंदू मानी जाती थी, वो मंच से चंडी पाठ करती थी, हमारे राहुल भैया जनोई दिखाकर कश्मीरी ब्राह्मण पुरखों को याद कर रहे हैं, हमारे अखिलेश जी मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत तेजी से भारत की राजनीति हिंदूकरण की ओर जा रही है। उस स्थिति में हम रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, सुरक्षा कैसे बढ़ेगी सबकी महिलाओं की, किसानों को फसल के दाम कैसे मिलेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे तो हिंदुत्व में तो अब सब स्पर्धा करने लगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब एक हिंदुत्व की बात करते तो दूसरे विरोध करते थे तो मुझे चिंता थी, मुझे आनंद है। अब तो सब कह रहे हैं मैं बड़ा हिंदू, राहुल गांधी कहता मैं बड़ा हिंदू, हमारे अखिलेश भैया कहे मुझसे बड़ा हनुमान भक्त कोई नहीं है, योगी जी कहते मैं सबसे बड़ा राम भक्त, तो मेरी तो खुशी है कि सब हनुमान भक्त, राम भक्त, जनोई भक्त सब हो गए, होना ही चाहिए, बहुत आनंद की बात। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को फसल के दाम नहीं मिलना, ये इस समय की सबसे बड़ी बड़ा कैंसर है। और वह कैंसर का इलाज करने वाला डॉक्टर हमें भारत की राजनीति में ढूंढना होगा। राम मंदिर बनाने का श्रेय संपूर्ण हिंदू समाज, कार सेवक, बलिदानी कार सेवक और नेतृत्व करने वाले चार महापुरुष अशोक जी सिंगल, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस और बाला साहेब ठाकरे, ये चार का नेतृत्व नहीं होता तो राम मंदिर यह परिणाम तक नहीं जाता। मेरी मांग है कि जो समाज बलिदानियों को याद करता है, सम्मान करता है, वह समाज टिकता है। तो राम मंदिर के लिए जो मरने के लिए कारसेवक बनकर निकले थे और जिनका बलिदान हुआ, राम मंदिर के प्रांगण में उनका स्मारक बनाया जाए ताकि राम जी के दर्शन करने वाले यह बलिदानियों का नमस्कार करें। और सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनाया तब सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में सोमनाथ के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले गुजरात के ही हमीर सिंह गोहिल का स्मारक बनाया है, आज भी वहां है। सोमनाथ का दर्शन करने वाले पहले हमीर सिंह जी को नमस्कार करते हैं। इसलिए यह करेंगे तो ही राम मंदिर आंदोलन सम्मान के साथ मंदिर निर्माण हुआ ऐसा माना जाएगा। एक बात स्पष्ट करनी चाहिए सबको, एक मीटिंग हुई, आपने 2 करोड़ की जमीन, आपको जमीन 2 करोड़ में दी और उसी समय 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट 18 करोड़ में लेती है, यह बात किसी को पचेगी नहीं। और उसी समय पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, मानो आपने अपनी जमीन 2 करोड़ में बेची और राम जन्मभूमि न्यास ने वो 18 में ली, तो आपसे सीधी 2 करोड़ में मैंने क्यों नहीं ली? प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, गलती हुई है तो माफी मांगनी चाहिए समाज से। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया वहां होता तो यह नहीं होता, कोई साहस तक नहीं करता। लोगों ने अपने पसीने के पैसे राम मंदिर के लिए दिए हैं,
और लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए अपने बेटों की कुर्बानी दी है, बेटों की कुर्बानी दी है। अभी मंदिर बनाने में लगे हुए बंधु कम से कम ये कुर्बानी का जरूर सम्मान करेंगे। मैंने इतना ही कहा, एक जमीन 2 करोड़ में बेची और उसी समय यह जमीन इसी मीटिंग में 18 करोड़ में ली, तो किसी के समझ में नहीं आता है। कृपया सबको समझाओ, यह रहस्य एक ही मिनट में 2 करोड़ की जमीन का 18 करोड़ कैसे हो गया वह समझाओ। ये लोगों के श्रद्धा और पसीने के पैसे, इतना ही मुझे कहना, मैं आरोप नहीं लगाता। ये सब मेरे साथी थे, मैं सीनियर जूनियर में नहीं पढ़ूंगा, परंतु मेरे 20 साल के साथी में से कुछ लोग, सब नहीं, पर जब तक नंदी बैठा है काशी में, उनके सामने काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर नहीं बनता है, तब काशी में सभी उत्सव अधूरे हैं। जब मेरा नंदी भगवान नंदीकेश्वर बिना शिव जी के मंदिर बैठा है, तब तक मेरा कोई काशी का उत्सव पूर्ण नहीं होगा, और जब तक कृष्ण की जन्मभूमि पर पूर्ण मंदिर नहीं होगा, तब तक महाभारत की रचना करके धर्म की संस्थापना करने वाला कृष्ण का भारत में सम्मान है हम नहीं मानेंगे। विद्या की तरह ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मंदिर बने अब तो क्या है, संसद में एक कानून बना दे 24 घंटे में बन सकता है। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक का कानून बना तो बाबा काशी विश्वनाथ बड़े हैं या मुसलमानों की बीवियां बड़ी है, भगवान कृष्ण बड़े हैं या मुसलमानों की बीवियां बड़ी है, बना दो। और प्रवीण तोगड़िया आपका जय जयकार करने के लिए निकलेगा, पर जय जयकार उनका करूंगा जो काशी मथुरा के मंदिर बनाएंगे, हिंदुओं को रोजगार देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।